दोस्तों रजिस्ट्रेशन का पूरा वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं, फी पेमेंट भी दिखा चुके हैं, मतलब पूरा फॉर्म का प्रोसेस। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं फी पेमेंट कैसे करना है। यहाँ दोस्तों अगर आपने अपना फॉर्म भर के रख दिया है तो DSSB की किसी भी फॉर्म का पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, कैप्चा डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल का रोल नंबर और पासिंग ईयर डालना है, फिर आपको ये पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। चलिए दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद देखिए OARS यानी दिल्ली सबनर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो पेमेंट वाला ऑप्शन है खुल चुका है। अब दोस्तों आपको करना है क्या, फी पेमेंट आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले आपको चलना है, दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन पे चलना है। जी हाँ दोस्तों फाइनल सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे जो है जाना है। दोस्तों यहाँ पे जाते हैं आप देखेंगे जो भी आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप फाइनल सबमिट पे आगे बढ़ेंगे देखेंगे पूरी डिटेल्स आपकी जो है ओपन होके आ रही है। आप देख सकते हैं फी स्टेटस अभी यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब जब तक ये आपका डन नहीं होगा आप समझ लीजिए आपका फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो दोस्तों उसको डन करने के लिए आपको नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है पे ऑनलाइन एंड फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है पे ऑनलाइन, एक आ रहा है री वेरीफाइड पेमेंट स्टेटस। दोस्तों मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, आपके अकाउंट से पेमेंट कर दिया और फॉर्म में अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको री वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार पेमेंट कर रहे हैं तो पहले पे ऑनलाइन करना है, ये केवल उनके लिए जिनका ट्रांजेक्शन एरर हो गया है या पेंडिंग है। चलिए दोस्तों पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों देखिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखिए आ जाएगा DSSB का आपका डिटेल्स आ जाएगा, आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अमाउंट जो आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए हमारा पेमेंट ऑप्शन जो है खुल गया है, इसका पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। दोस्तों कोई ऑफलाइन पेमेंट मोड नहीं है और ये ऑर्डर नंबर जो आपका आता है इसको आप कॉपी करके रख लीजिएगा, इन फ्यूचर मान लीजिए ट्रांजेक्शन अगर एरर होता है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं आप, स्टेट बैंक की भी नेट बैंकिंग है, अदर बैंक की भी नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड में वीजा, मास्टर, रुपए, अमेरिकन एक्सप्रेस, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, कोई उसमें आपका वो नहीं। चलिए दोस्तों मैं इसका पेमेंट आपको वीजा कार्ड से करके दिखाता हूँ, डेबिट कार्ड से, क्योंकि सबसे कॉमन है। चलिए दोस्तों मैं करता हूँ फिर आगे चल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे अपना कार्ड का डिटेल डाल के इस तरीके से आपको अपने आपके जो जिस भी बैंक से आप पेमेंट करेंगे उस पर एक OTP आएगा। OTP दोस्तों आएगा, दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, अपना डेबिट कार्ड का नंबर, CVV, एक्सपायरी कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा और पेमेंट करने के लिए हमेशा sarkaririzalt.com या तो फिर rozgarrizalt.com ही खोलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों बहुत ही ट्रस्टेबल वेबसाइट है, कहीं आपका कोई डिटेल जो है शेयर नहीं होता, बहुत ही ट्रस्टेबल है। बाकी वेबसाइट वाले आपका कार्ड डिटेल्स वगैरह सेव भी कर सकते हैं, तो इसे दोस्तों जब भी खोलिएगा ओरिजिनल और ट्रस्टेबल वेबसाइट sarkaririzalt.com या तो फिर rozgarrizalt.com खोलिएगा। दोस्तों पूरा जाने के बाद यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखिए पेमेंट होने के बाद आप देख सकते हैं योर पेमेंट हैज बीन डन, योर एप्लीकेशन नंबर इज ये। तो दोस्तों इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब आपको फिर यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे जाना है और फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना, फॉर्म आपका डन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।